हैं और कहते हैं पुल सिरात के ऊपर नेक लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे, फ्लैशिंग ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं ना, रोशनी जैसा, बिजली कैसा होती है ना, चमकी और ख़त्म हो जाती, बिजली की तरह गुजर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो है कोई आँख की झपकने के उतनी देर में, बिजली चूंकि आँख से भी तेज़ होती है, आँख की झपकने से भी तेज़ होती है, तो कोई आँख के झपकने में, कोई बिजली की तेज़ रफ्तार से, और इसी तरह जो है कोई जो है परिंदों की रफ्तार से, और कोई अपनी नेकियों के वसीले और सहारे से पहुंचते जाएंगे, और किसी के ताल्लुक से आता है कि वो अपने सवारियों पर भी आएंगे और सवारियां भी उनको ले जाएंगी। तो गोया कोई लाइट की रफ्तार से, कोई आँख के बंद होके खुलने की रफ्तार से, कोई परिंदे की उड़ने की रफ्तार से, है ना, कोई जो है तेज़ भागने वाले इंसान की रफ्तार से, मुख्तलिफ रफ्तारों से उनके आमाल के अतबार से लोग पुल को क्रॉस करेंगे, सिरात को क्रॉस करेंगे। मतलब जहन्नुम पर हर इंसान पेश किया जाने वाला ही है, चाहे कितना ही नेक हो या कितना ही बद हो, याद रखिए सब पेश हो रहे हैं ना, पुल सिरात जहन्नुम पे से गुजर रहा है। तो एक के बाद एक लोग निकलेंगे और उनके आमाल के मुताबिक रफ्तारों से निकल जाएंगे, कुछ तो बिल्कुल सही सालिम पहुँच जाएंगे, कुछ रफ्तार से भी पहुँच रहे, कम्प्लीट भी पहुँच रहे, और कुछ गिरते पड़ते हाथ पैर टूटते हुए जख्मी होते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। तो कोई इस रफ्तार से, कोई स्लोली, कोई ज़ख्मी, कोई सही सलामत, मुख्तलिफ रफ्तारों से, मुख्तलिफ कैफियतों में लोग जहन्नुम को क्रॉस करके इधर से पुल से उधर की तरफ गुजरेंगे और जो है वहाँ पहुँच जाएंगे, पार लग जाएंगे, और कुछ धक्के खा खा कर दोज़ख में गिर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं पार कर सकेंगे तो धक्के खा रहे होंगे और मुख्तलिफ आज़ा उनके झड़ रहे होंगे और अंदर गिर रहे होंगे जहन्नुम में, कुछ जा रहे होंगे, कुछ गिर रहे होंगे, और इंसानियत पुल पे से गुजर रही है, बदकार गुनहगार जहन्नुम में टुकड़े होकर गिर जाएंगे, नेक लोग उस पुल को पार करके मुख्तलिफ रफ्तारों से, और उधर पहुंचने वाले नेकों में भी कुछ ज़ख्मी हालत में पहुंचेंगे, कंप्लीट नहीं पहुंच सकेंगे लेकिन पहुंच जाएंगे। उधर जो पहुंच गया बच गया, फर्स्ट फेज में जन्नती हो गया, जो गिर गया मतलब वो तौहीद परस्त ही था, कि तो पहले ही जो गैरुल्लाह की इबादत करते थे सब जहन्नुम में गिरे हुए हैं, ये वो है जो गुनहगार तौहीद परस्त थे। ठीक, वो अंदर गिर जाएंगे,